हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिलगो। मैं आपका दोस्त चिको आई नई वीडियो उपस्थित हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, धान का फसल को अब कैसे काट चुका, हर खेत में काट चुका है, लगभग काटा जा चुका है। लगभग देख सकते हैं 2-3-4-5-10-15 खेत बचा हुआ है जिसमें काटने के लिए बाकी है। और यहाँ पे हमारे साथ लोहा कुमार भी है जो कि अभी ही धान काटने जा रहा है। देख सकते हैं कितना सुबह का वक्त है और वो धान काटने जा रहा है, और वो धान इस चीज़ से काटेगा मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना बढ़िया दम औजार ले रहता है, इसे बोलते हैं हंसुआ हिंदी में। आप इसे क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करें। तो देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ सही से, और इससे मैं लोहा कुमार काटेगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे काटेगा। तो रख पकड़ो लोहा कुमार, और सामने आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं आटी। तो देख सकते हैं आटी, वहाँ पे 1-2-3-4-5 आटी का एक गाही बनाया जाएगा, और वैसे ही 10 गाही का एक बोझा बनाया जाएगा। मतलब जिस तरह से इसे बांधा जाएगा एक में करके, उसी तरह ऐसे ऐसे 10 गाही को बांधा जाएगा, और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं उसको बोझा बनाया जाएगा। तो मैं दिखाऊंगा आगे कि कैसे लोहा कुमार के साथ में जाता हूँ इसके खेत पर, तो मैं दिखाऊंगा। और देख लीजिए कि इधर पे, और अभी आपको सामने दिख रहा होगा कि कैमरा क्वालिटी ख़राब आ रहा होगा, क्योंकि अभी देख सकते हैं ठंड का मौसम है। तो ये तो नॉर्मली है, क्योंकि सुबह सुबह आएंगे किसी भी साइड जाएंगे आप तो कुहा गिरेगा, शीत गिरेगा जिसको बोलते हैं। तो उसी शीत के वजह से वहाँ पे धान गिर चुका था, मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में पार्ट 13 में कि वहाँ पे गिर चुका था। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इस कैसा आटी है, ये मैं सही से दिखाता हूँ आपको। सामने की तरफ बांधा गया है, और इधर पे धान का बाल है, देख सकते हैं आप धान का बाली, इधर पे धान भी है आप देख सकते हैं। और अभी का लगभग अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और 7 बजे देख सकते हैं मौसम कैसा किया हुआ है, पूरा बादल किया हुआ है और कुहा गिर रहा है। ये तो कम कुहा है गाइस, मैं बताना चाहूँगा अगर ज़्यादा ठंड गिरने लगेगा ना तो मैं यहाँ से 10 कदम दूर नहीं देख सकता, इतना कुहा गिरता है। तो मैं वो समय भी दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे देखा जाता है, क्या किया जाता है। यहाँ से 10 कदम 5 कदम दूर नहीं देख पाते, इतना कुहा गिरता है। और ठंड नहीं होता, कुहा गिरता है ना गाइस तो ठंड नहीं होता। मैं बताना चाहूँगा आपको, जब कुहा गिरता है तो उससे पानी गिरता है, तो उसमें ठंड नहीं होता ज़्यादा। अगर पूरा खुला, मतलब पूरा खुला है, मतलब कुहा वहाँ नहीं गिर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि हवा चलते रहता है। और कुहा में जैसे कि बारिश होता है तो उसमें हवा के चलता है, तो बारिश की वजह से हवा का वो कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो इस वजह से ठंड कम लगता है। और खुला जब एरिया रहेगा पूरा तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। तो देख सकते हैं लगभग इधर तो पूरा कट चुका है, इक्का तुक्का मिल रहा है खेत, और इधर पे अभी नहीं काटा है क्योंकि अभी काटने में व्यस्त हैं हमारे किसान भाई लोग। जैसे अभी देख सकते हैं सुबह के 7 बजे ही लोहा कुमार जा रहा है धान काटने, और देख सकते हैं दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा धान का कटा हुआ पस्तरी। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था पस्तरी इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करें। और हमारे किसान भाई पूरा लगन से लगे रहते हैं, और आगे चलते हैं मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़। और धान का बाली देख सकते हैं, इस पर अभी भी पानी टंगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद भींगा भींगा लग रहा है अभी। और देख सकते हैं दूर दूर तक पेड़ दिख रहा है, जैसे कि उस पर पानी बहुत टंगा हुआ। अगर ये अगर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अगर दोनों दिन होगा, मतलब ये बड़ा बड़ा होता, अभी धान नहीं कटा हुआ था, तो हम अब अबला कब तक कब भींग चुके होते, क्योंकि पानी धान पे वो टंगा हो रहता है, पानी टंगा रहता है शीत, तो हम नहीं भींगे क्योंकि इसको काट करके पस्तरी पे बिछा दिया गया है। तो देख सकते हैं हमारे साथ वीडियो बने रहे आगे, और कुछ नया चीज़ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। गेड़ा कट गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोहा कुमार कितना अभी काटा है आगे। बहुत बड़ा खेत है का, हाँ यार 12 कट्ठा का
खेत काट दिया केला, केला और इसका कोई होगा और देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है इस पे, ये भी भींगा हुआ है पूरा फ्रेंड्स, क्योंकि इस पे भी शीत गिरा है। रात में तो सच में भींगा हुआ होगा, बताने की क्या जरूरत है। तो देख सकते हैं ये आपको जितना दूर दिख रहा है वहां तक ये लोहा कुमार का खेत था और ये लोहा कुमार खुद अकेला मिलकर काटा है। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा मेहनत करता है लोहा कुमार, लोहा सिंह। तो मैं आपको सीधा मिलता हूँ लोहा कुमार जहाँ पे धान अभी काटेगा और वो खेत दिखाऊंगा कितना बड़ा है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये लोहा कुमार का खेत है और किस तरह से यहाँ पे सारा बाल गिरा हुआ है इसका, धान का फसल गिरा हुआ है शीत की वजह से। और देख सकते हैं अभी अभी धूप उग चुका है, आते जाते हैं यहाँ पे लोहा कुमार के खेत के पास और देख सकते हैं वहाँ पे लोहा कुमार लगने जा रहा है काटने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करने के बाद काटेगा। तो मैं दिखाता हूँ कुछ कि कैसे गिरा है यहाँ पे, थोड़ा एंगल अच्छा एंगल से। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे धान का फसल गिरा हुआ है और ये बीचे खड़ा हुआ है क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें जाम था। मैं बताना चाहूँगा, अब मैं पूरा क्लियर बता देता हूँ। देख सकते हैं ये भी हरा था, आप खुद से देख सकते हैं ये अभी हरा है, इस वजह से इसको थोड़ा अंदर से जड़ इसका मजबूत है, इस वजह से ही नहीं गिरा है। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हरा 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 आपको दिख रहा है, इस वजह से नहीं गिरा। और ये सूख चुका था और इस पे ये कमज़ोर हो चुका था और इसका बाल देख सकते हो, उसका बाल भी थोड़ा कम वो है, कम है, तो इस वजह से नहीं गिरा। और इन लोग का बाल देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देख सकते हैं जमीन पर लटक रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं जमीन पर लटक रहा है इन लोग का बाल। तो इसमें से धान चावल निकाला जाएगा, तो वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा मैं किस तरह से चावल निकाला जाता है, मिल में जा करके निकाला जाता है, मैं दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। और देख सकते हो वहां पर लोहा कुमार लग चुका है काटने के लिए, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा किस तरह से काट रहा है। तो पहले दिखाने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। ये कब लग गया लोहा लहरिया, कौन लगल का है मैं दिखाता हूँ एक फ्रेंड्स किसान भाई क्या करते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बॉल दिख रहा है, मैं उससे पहले ये दिखाना चाहूँगा, ये बाल देख लीजिए आप पहले, धान का बाल, धान का बाली बाली बोलता हूँ मैं, धान का बाली देख लीजिए कैसा है। और उससे पहले एक और चीज़ दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये सामने आपको राहड़ का फसल दिख रहा होगा इक्का दुगा, क्योंकि किसान भाई शायद आए होंगे राहड़ लेकर के यहाँ पे और यहाँ पे शायद छीट दिए हैं ऐसे ही, मैं ज़्यादा उस पता नहीं है, यहाँ पे छीट दिए हैं ऐसे ही और छीटने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं ये उग चुका है। तो यही तो चीज़ है गाय, मैं बताना चाहूँगा आपको। और देख सकते हैं ये राहड़ का फसल है, आपको दिख रहा होगा सामने राहड़ का दाल, आप सुने होंगे ज़्यादातर अगर गांव में आए होंगे तो राहड़ का दाल, बूट का दाल, चना का दाल, चना बूट एक ही होता है। तो देख सकते हैं इसमें अभी फूल फुलाया हुआ नहीं है, मैं इसके ऊपर पार्ट टू लाना चाह रहा था लेकिन अभी ये फुलावे नहीं किया था, हम करें तो करें क्या। तो ये फुलाएगा मतलब इसमें फूल उगेगा, तो उसके बाद इसमें फूल उगने के बाद वही फूल राहड़ में तब्दील होगा और राहड़ होगा जो छोटा छोटा पैक बनाता है और उसी में राहड़ का बिच्चा ग्रो होगा। हाँ तो देख लीजिए मैं राहड़ वाले पार्ट में मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से होगा। और देख सकते हैं अभी अभी उगा और अभी अभी इसको क्या हो गया, ये पूरा इसका बादल झाग चुका है सन को सूरज को। तो देख लीजिए एक बार मैं सही से दिखाता हूँ राहड़ का फसल, एक बार देख लीजिए कैसा है। मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि मैं राहड़ के फसल को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, गर्मी का सीज़न हो और कोई सा भी चीज़ सीज़न हो, विंटर गर्मी और ठंडा का सीज़न में जो चीज़ का पैदा होता है खेत में, मैं उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, एक बार और सुन लीजिए, इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं उससे।
तो जैसे अभी धान का फसल यहाँ पे हुआ है और किसान भाई कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं खेत में तो आप जानते ही हैं, तो उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। देख सकते हैं वहाँ पे लोहा कुमार कितना ज़्यादा काट चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको जा कर के। उससे पहले एक और देख लीजिए धान का बाली कैसा है, जब यहाँ पे ज़मीन पे गिरा हुआ है तो ये पानी वानी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। और मैं बताना चाहूँगा मैं गांव रिलेटेड और गांव के आसपास भी जो चीज़ भी है माउंटेन जैसे कि वहाँ जैसे कि माउंटेन और जो भी गांव में जो चीज़ भी होता है जो चीज़ का खेती वह होता है मैं उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो अगर आपको गांव रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम देख सकते हैं सुबह के 7 बजे ही मेहनत करने निकल चुके हैं आपके लिए, वीडियो बनाने चल चुके हैं। तो लोहा कुमार लगा हुआ है यहाँ पे, उससे पहले ये देख लीजिए ये काटा वाला कैसा है, इसका मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर बहुत अच्छा डाला है, तो अगर इंस्टाग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वहाँ पे क्वालिटी अच्छा अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ़ोटो मैं डालता रहता हूँ डेली। तो देख सकते हैं इसमें फूल भी उगा हुआ है कितना बढ़िया बढ़िया, और इसमें काटा भी निकला हुआ है, काटा वाला फूल है एक तरह से बोल सकते हैं आप, और ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और एक चीज़ और इसको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये काटा कहीं भी दिखे ये तो ऐसे ही पहचाना जाएगा काटा वाला है, तो इसको छुएगा मत, क्योंकि ये काटा गड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फटता है, लहर देता है, आपको पता होगा, पता नहीं होगा तो मैं बता दिया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लहर देता है, तो ज़्यादा देर नहीं देगा, लगभग आधा एक घंटा तो लहर देगा ही, तो पहली बार आपको चुभेगा तो बहुत ही ज़्यादा दर्द देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोहा कुमार कितना ज़्यादा काट चुका है और लगा हुआ है काटने के लिए, तो मैं थोड़ा पास से एनिमेशन में दिखाता हूँ। देख सकते किस तरह से आरी क्या बोलते हैं वो काम कर रहा है, हसुआ काम कर रहा है यहाँ पे, एकदम काटे जा रहा है लोहा कुमार, ज़्यादा दिक्कत ना हो रहा है लोहा, दिक्कत ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक साइड ही गिरा हुआ था, आप देख सकते हैं ये रो में गिरा हुआ है, तो यहाँ पे लोहा कुमार पकड़ के रच रच काट ले जा रहा है, तो दिखाता हूँ मैं सही से आपको। और किस तरह से यहाँ पे पस्तरी बिछा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको अटियाएगा, तो मैं वो भी दिखा दूंगा पार्ट 15 में। मैंने धान को पर लगभग 15 पार्ट बना चुका हूँ, 13 पार्ट बना चुका हूँ, ये तो 14 पार्ट बना चुका हूँ, ये तो 14 पार्ट यही है। और अगर मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं शुरू से जैसे जिस कैसे यहाँ पे बिहन रोपा गया, किस तरह से क्या क्या किया गया, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे लोहा कुमार लगा हुआ है, रच रच काट रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से गांव में धान का कटाई होता है, अब तो मशीन का जमाना आ रहा है, कुछ 5 साल में देखिएगा कितना बदल जाएगा गांव, और किसान भाई भी बदल जाएंगे, मशीन से सब चीज़ होगा, यहाँ पे कटेगा यहीं पे एकदम बोरी भरा जाएगा हाली, तो मेहनत तो अब कम होगा, मेहनत तो हुए करेगा। तो इसी तरह ये पूरा खेत काट देगा, देख सकते कितना दूर में खेत फैला हुआ था वहाँ तक, फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको, वो सामने आ रहा दिख रहा है फ्रेंड्स, वहाँ तक काट देगा लोहा कुमार, समझ रहे हैं कितना मेहनत करता है। तो आप भी मेहनत कीजिए और मेहनत का फल तो जानते हैं कितना मीठा होता है, और इस ये वीडियो भी जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें, ताकि मैं गांव रिलेटेड और माउंटेन और आसपास भी जो चीज़ है वो रिलेटेड, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप जानते होंगे शुरू यूट्यूबर बनना कितना ज़्यादा मेहनत होता है, कुछ भी नहीं इनका कुछ भी नहीं, तो मैं इंट्रोड्यूस कराता रहूँगा, वो तो मेरा मैटर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और देख सकते हैं मैंने आज धान कैसे काटा गया, किस चीज़ से काटा गया, और अटियाने का तो मैंने पिछले पार्ट 30 में ही बता चुका था, तो किस तरह से अटियाया जाता है और किस तरह से बोझा बांधा जाएगा मैं अगला पार्ट 15 में बताऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और ठंड का मौसम आ रहा है
तो स्वेटर वेटर खरीद लीजिए जाकर मार्केट से, ताकि ठंड ना आपको लगे और आप मेरा वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।